कटोरी में चाट या कटोरी की चाट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बनाने वाले कटोरी चाट, कटोरी के अंदर है चाट। तो गाइस आज हम सिखाएंगे आपको कटोरी कैसे बनाएं और चाट कैसे बनाएं, दोनों एक साथ आज हम सिखाएंगे आपको कटोरी चाट बनाने की रेसिपी। यहाँ पर हमारे पास एक कप मैदा जिसमें हम डाल रहे हैं नमक, और यहाँ पर हमने डाला एक कप ऑयल। ऑयल की जगह आप देसी घी पर डाल सकते हो। इन सबको अच्छे से मिक्स करें और पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट आटा तैयार करें, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद इसको हम बेल लेंगे इस तरह से, आटा को 5 मिनट रेस्ट करें फिर बेले। यहाँ पर एक छोटे साइज़ का कोई भी कटोरी ले लें जिसके पूरे साइड्स पर हम तेल लगा लेंगे, और जो हमारा जो आटा था इसको हम इसके ऊपर कटोरी के ऊपर इस तरह से चिपका देंगे चारों तरफ से इस तरीके से, और जो एजेस आ गए हैं एक्स्ट्रा उनको चाकू की मदद से हम कट कर देंगे इस तरीके से कट करें। और यहाँ पर कढ़ाई में तेल बिल्कुल गर्म है, तो कटोरी के साथ ही हम हमारा जो आटा है उसको डाल देंगे इस तरीके से, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करेंगे आप तो आप देख सकते हो कटोरी अपने आप जो है वो छोड़ देगी हमारे आटे को। तो कटोरी को आप चिमटे से पकड़ के बहुत केयरफुली इस तरह से निकाल लें, ऐसी तरह से कटोरी बना लें। और कटोरी के अंदर आप बनाते हैं चाट। तो चाट के लिए यहाँ पर है उबले हुए आलू, उबले हुए काबली चने और उबला हुआ हरा मूंग। सबको हमने यहाँ पर भिगो कर उबाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं कटा हुआ टमाटर, इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इसमें दही। तो मैंने दही में ऑलरेडी नमक ऐड कर रखा है, तो दही हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं इमली की चटनी, और यहाँ पर हमने डाली है हरी चटनी। इसके बाद इसके ऊपर से हम डाल रहे हैं यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया, इसके बाद इसके ऊपर हम डाल रहे हैं सेब। सेब डालने के बाद इसको हम प्लेट पर इस तरह से हमारी सर्विंग प्लेट पर निकाल लेते हैं, और ऊपर से हम इसको गार्निश कर रहे हैं कटा हुआ बीट रूट से, और इसके बाद हम इसके ऊपर रख रहे हैं अनार के दाने। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारे कटोरी चाट। और ये लीजिए गाइस, रेडी हो चुकी है हमारी कटोरी चाट, बहुत ही सिंपल इवनिंग स्नैक, चटपटा। अगर आपको कुछ खाने का मन होता है शाम को तो आप ये रेसिपी बना सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको बनाई, और खाने में ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने ऊपर से नमक नहीं डाला क्योंकि मैं दही में ऑलरेडी नमक डाल लिया था।